नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर राशि वालों का आज का दिन यानी कि 27 सितंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेव कमेंट कर दें। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ नहीं देगा। दोस्तों, आज से पहले अगर आपने अपने जीवन साथी से कोई वादा किया था, कोई प्रॉमिस किया था, तो आज के दिन अपने वादे को आपको पूरा करना होगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के दिन जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति मिले, आप वही काम करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आज से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो आज के दिन अपने रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा। क्योंकि आज के दिन इस काम को करने में आपका समय आपका साथ अवश्य देगा। तो इसके बाद बात करते हैं आपके घर परिवार के बारे में। दोस्तों, आज से पहले अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध खराब हो गया था, कमजोर हो गया था, तो आज के दिन अपने संबंध को आपको मजबूत करना होगा। तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोटके, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक के बारे में। दोस्तों, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 3 यानी कि 3। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नारंगी और सुनहरा। दोस्तों, आज के दिन अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आप गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर ऐसे लोगों की सेवा करें, ऐसे लोगों की सहायता करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेव कमेंट कर दें। धन्यवाद।